हाय फ्रेंड्स, मैं राजवीर स्वागत करता हूँ हमारे इस एपेडे चैनल में और ये है एपी टॉक। तो चले सीधे पॉइंट पर। दोस्तों, फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद हो रहे हैं इसी 30 अप्रैल को, वो भी विंडो फोन यूजर्स के लिए। तो आप उसे कैसे एक्सेस करेंगे? तो विंडो फोन के मोबाइल ब्राउजर में जाएंगे और वहां से अपना लॉगिन पासवर्ड डालेंगे और उसे एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। इसी से चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। दोस्तों, कोई हम गेम डाउनलोड करते हैं और उसे ओपन करते हैं तो अधिकतर गेम में हम ये देखते हैं कि उस पर लिखा आता है, जो चालू करते हैं तो उस पर लिखा आता है मेड विथ यूनिटी। तो यूनिटी का मतलब क्या है दोस्तों? तो मैं बता दूं, यूनिटी एक गेम मेकिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे आप खुद का गेम बनाकर उसे बेच सकते हैं या फिर खुद अपलोड कर सकते हैं। तो यूनिटी अब इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव लाने वाला है। इसके आने वाले अपडेट 90.1 में बहुत सारे अपडेट मिलने वाले हैं, जैसे कि आप कोई 2D गेम खेल रहे हैं उसको 3D में देख सकते हैं, उस ग्राफिक इंप्रूव होगी और उसके डिजाइन भी और बहुत कुछ। तो देख सकते हैं गेम का क्रेज इतना बढ़ रहा है कि हर कंपनी चाह रही है कि हम बेस्ट परफॉर्मेंस दे ताकि हम ग्राहक को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर सके। दोस्तों, एवेंजर का क्रेज चल रहा है और इसी क्रेज को बनाए रखने के लिए मार्वल ने फोर्टनाइट के साथ मिलकर एक गेम मोड ला रहा है और ये गेम मोड लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। इस गेम मोड में आप एवेंजर्स के करेक्टर का सुपर पावर यूज कर सकते हैं, उनके वेपन को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं रेकमेंड करूंगा कि इस गेम मोड को आप जरूर खेलिएगा। दोस्तों, हाल फिलहाल में जियो ने हैप्टिक नाम की AI बेस्ड कंपनी में 700 करोड़ रुपये का इन्वेस्ट किया है। जियो ने 700 करोड़ रुपए में हैप्टिक के 87% शेयर को खरीदने का फैसला किया है। तो आप सोच रहे हो कि ये हैप्टिक क्या है? तो मैं बता दूं कि ये एक AI बेस्ड चैटबॉट है जिसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। दोस्तों, आज के समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से व्यापार में बहुत ज्यादा उन्नति मिलती है और इसी को देखते हुए जियो ने ये कदम उठाया। तो दोस्तों, मैं AI को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा एक अलग वीडियो बनाकर। तो चले जाते हैं अगले न्यूज की तरफ। दोस्तों, पबजी समय समय पर कुछ टूर्नामेंट कराकर पबजी प्लेयर्स को इनाम के रूप में कुछ प्राइज देता रहता है। तो इस बार 26 अप्रैल से एक और मैच का अनाउंस कर दिया गया है। इस टूर्नामेंट में दुनिया भर से कुल 10 क्षेत्र के क्लब को सिलेक्ट किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में टोटल प्राइज पोल है $2.5 मिलियन यानी लगभग 17 करोड़ 20 लाख रुपए हैं। इसमें इंडिया की टीम भी शामिल है जिसे आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि पिछले दिनों व्हाट्सअप और फेसबुक में डार्क मोड इनेबल हो गया, तो अब मैं बता दूं कि अब जिस एप्लीकेशन में डार्क मोड आने वाला है वो क्रोम ब्राउजर है। इसका टेस्ट अभी चल रहा है तो इस दौड़ में गूगल भी पीछे रहने वाला नहीं है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले गूगल ने इनबॉक्स अपना बंद कर दिया। इसके बंद हो जाने से बहुत सारे मेल अकाउंट को एक साथ एक्सेस करने में बहुत सारी परेशानियां हो रही थी। इस परेशानी को देखते हुए रीडल ने अपना स्पार्क एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया, वो भी एंड्रॉयड के लिए। बता दें कि स्पार्क एप बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है जो कि विंडो और एप्पल स्टोर के लिए उपलब्ध था। दोस्तों, इस एप्लीकेशन में आप किसी प्रकार के मेल अकाउंट को एक साथ बहुत ही आसानी तरीके से, वो भी सिंपल तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। आने वाले समय में मैं इस कमाल के एप्लीकेशन का रिव्यू जरूर करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। इसी से चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।